स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ भगवान गणेश के 8 अवतारों के बारे में। तो आइए जानते हैं बिना समय गवाए क्या है भगवान के 8 अवतार। भगवान गणेश का पहला अवतार है वक्रतुंड। वक्रतुंड का अवतार राक्षस मत्स्यासुर का दमन करने के लिए हुआ था। मत्स्यासुर एक शिव भक्त था और उसने शिव जी की उपासना करके वरदान पा लिया था कि उसे किसी का भय नहीं रहेगा। मत्स्यासुर ने देवगुरु शुक्राचार्य की आज्ञा से देवताओं को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उनके दो पुत्र भी थे, सुंदरप्रिय और विषयप्रिय। ये दोनों भी बहुत अत्याचारी थे। सारे देवता शिव जी की शरण में पहुंच गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे गणेश जी का आह्वान करें। गणेश जी वक्रतुंड का अवतार लेकर आएंगे। देवताओं ने गणपति की आराधना की और गणपति ने वक्रतुंड का अवतार लिया। वक्रतुंड भगवान ने मत्स्यासुर के दोनों पुत्रों का संहार किया और उसको भी पराजित कर दिया और वही मत्स्यासुर कालांतर में भगवान गणेश का भक्त हो गया। गणपति जी का दूसरा अवतार है एकदंत। महर्षि जयंत ने अपने तपोबल से मद की रचना की थी और यह उसका पुत्र कहलाया था। मद ने देवियों के गुरु शुक्राचार्य से उनकी दीक्षा ली थी। शुक्राचार्य ने उसे हर तरह की विद्या में निपुण बनाया था। शुक्राचार्य ने उसकी शिक्षा पूरा होने पर देवताओं का विरोध करना शुरू कर दिया था। सारे देवता उससे प्रताड़ित रहने लगे। मद बहुत ही शक्तिशाली हो चुका था और लगभग सारे ही देवताओं को पराजित कर दिया था। सारे देवताओं ने मिलकर गणेश जी की आराधना की। तब भगवान गणेश ने एक दंत के रूप में प्रकट होकर उनकी 4 भुजाएं, 1 दांत और पेट बड़ा था। उनका सिर हाथी के समान था। उनके हाथ में पाश, परशु और एक खिला हुआ कमल था। एक दंत ने देवताओं को अपने वरदान दिया और मदासुर को युद्ध में पराजित किया। इनका तीसरा अवतार है महोदय। जब कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मोहासुर नाम के दैत्य को संस्कार देकर देवता के खिलाफ खड़ा कर दिया था। मोहासुर से मुक्ति के लिए देवताओं ने गणपति जी की उपासना की। तब गणेश ने महोदर का अवतार लिया। महोदर का उदर यानी पेट बहुत बड़ा था। वे मूषक पर सवार होकर मोहासुर नगर में पहुंचे तो मोहासुर ने बिना युद्ध किए ही गणपति को अपना इष्ट बना लिया था। इनके चौथे अवतार है गजानन। एक बार धनराज कुबेर ने भगवान शिव और पार्वती के दर्शन के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। वहां पार्वती जी को देखकर कुबेर के मन में काम का प्रकार लोभ जागा। उसी लोभ के कारण लोभासुर का जन्म हुआ था। वह शुक्राचार्य की शरण में गया और शुक्राचार्य के आदेश पर शिव जी की उपासना की। शिव जी लोभासुर से प्रसन्न न हो गए और उन्होंने उसे निर्भय होने का वरदान दिया। इसके बाद लोभासुर ने सारे लोगों पर कब्जा कर लिया और खुद शिव जी को भी बहुत ही परेशान करने लगे। तब देवगुरु ने सारे देवताओं को गणेश जी की उपासना करने की सलाह दी। गणेश जी ने गजानन के रूप में दर्शन दिए और देवताओं को वरदान दिया कि मैं लोभासुर को पराजित करूँगा। गणेश ने लोभासुर के युद्ध को संदेश भेजा। शुक्राचार्य की सलाह पर लोभासुर ने बिना युद्ध किए ही अपनी पराजय स्वीकार की। इनका पांचवा अवतार है लंबोदर। समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने जब मोहिनी का रूप धरा था तो शिव जी उन पर मोहित हो गए थे और इससे एक काले रंग के दैत्य की उत्पत्ति हुई थी। इस दैत्य का नाम था क्रोधासुर। क्रोधासुर ने सूर्य की उपासना करके उनसे ब्रह्मांड विजय का वरदान ले लिया। क्रोधासुर के इस वरदान के कारण सारे देवता भयभीत हुए। वो युद्ध करने के लिए निकल पड़ा। तब गणपति ने लंबोदर का रूप धारण कर लिया था। क्रोधासुर को समझ आया और उसे यह आभास दिलाया कि संसार में कभी अजय योद्धा नहीं हो सकता। क्रोधासुर ने अपने विजय अभिमान का रोक दिया और सब कुछ छोड़कर पाताल लोक में चला गया। इनका छठा अवतार है विकट। भगवान विष्णु ने जलंधर के विनाश के लिए उनकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग किया था। इसके दौरान एक दैत्य उत्पन्न हुआ था, उसका नाम था कामासुर। कामासुर ने शिव जी की आराधना करके त्रिलोक विजय का वरदान प्राप्त किया था। इसके बाद उसने अन्य दैत्यों को तरह देवताओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। तभी सारे देवताओं ने गणेश जी का ध्यान किया। तब भगवान गणेश ने विकट रूप धारण किया। विकट रूप में भगवान मोर पर विराजित होकर अवतरित हुए। उन्होंने देवताओं को अभय वरदान देकर कामासुर को पराजित किया था।
के तप के बाद दैत्यराज का उन्हें पद दिया और विभूषित करके उन्हें नाम दिया। ममासुर ने अपना अत्याचार शुरू कर दिया, सारे देवताओं को बंदी बना दिया। तब देवताओं ने गणेश जी की उपासना की और तभी गणेश जी ने विघ्नराज के रूप में अवतरित हुए और उन्होंने ममासुर का मानव मर्दन कर दिया और देवताओं को छुआ। इनका आठवां अवतार है धूम्रवर्ण। एक बार भगवान ब्रह्मा ने सूर्य देव को कर्म राज्य का स्वामी नियुक्त कर दिया। राजा पद पे ही सूर्य देव को अभिमान हो गया। उन्हें एक बार छींक आई, उस छींक के दौरान एक दैत्य की उत्पत्ति हुई, उसका नाम था अहम। वो शुक्राचार्य के समीप गया और उन्हें गुरु बना लिया। वह अहम